हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आज बात करते हैं रेकी के विषय में। क्या होती है रेकी, इसके क्या है लाभ और कैसे की जाती है। रेकी एक आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है जिसका विकास 1922 में मिकाऊ उसुई ने किया था। यह तनाव और उपचार संबंधी एक जापानी विधि है जो काफी कुछ योग जैसी है। वैसे रेकी का असली उद्गम स्थल तो भारत ही है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत में स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान था। अथर्ववेद में इसके प्रमाण पाए गए हैं। यह विद्या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मौखिक रूप में विद्यमान रही। लिखित में यह विद्या ना होने से धीरे धीरे इस विद्या का लोप होता चला गया। 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने ये विद्या अपने शिष्यों को सिखाई, जिससे देशाटन के समय जंगलों में घूमते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा का अभाव न हो, वे अपना उपचार कर सके। भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नामक पुस्तक में इसका कुछ वर्णन भी है। यहाँ से भिक्षुओं के साथ तिब्बत और चीन होती हुई जापान तक पहुँच गई रेकी विद्या। जापान में इसे पुनः खोजने का काम जापान के संत डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपने जीवन काल में 1869 से 1926 में किया। इसकी विचारधारा के अनुसार ऊर्जा जीवित प्राणियों से ही प्रवाहित होती है। रेकी के विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा स्पर्श से ही आती है। अदृश्य ऊर्जा को जीवन की ऊर्जा कहा जाता है और जीवन की प्राण शक्ति होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि की हमारे आसपास ही है और उसे मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। रेकी शब्द में रे का अर्थ है वैश्विक अर्थात सर्वव्यापी। तमाम सारे शोधों के अनुसार यह निष्कर्ष निकला है कि इस विधि को आध्यात्मिक चेतन अवस्था या अलौकिक ज्ञान भी कहा जाता है। इसे सर्वज्ञान भी कहते हैं, जिसके द्वारा सभी समस्याओं की जड़ में जाकर उनका उपचार खोजा जाता है। रेकी की मान्यता है कि जब तक कोई प्राणी जीवित है कि उसके इर्द-गिर्द बनी रहती है, जबकि उसे छोड़ देती है तब उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है। विचार भाव और आध्यात्मिक जीवन भी की के माध्यम से उपजते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्यात्म आधारित अभ्यास के तौर पर जाना जाता है। चिंता, क्रोध, लोभ, उत्तेजना और तनाव शरीर के अंगों एवं नाड़ियों में हलचल पैदा कर सकते हैं, जिससे रक्त धमनियों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शारीरिक रोग इन्हीं विकृतियों के परिणाम है, यानी कि सारे रोग मानसिक विकारों के कारण, मस्तिष्क में चिंता के कारण। शारीरिक रोग मानसिक रोगों से प्रभावित होते हैं। ये बात तो सत्य है कि अगर मस्तिष्क सही नहीं है तो शरीर में तमाम तरह की बीमारियां आ जाती हैं। रेकी बीमारी के कारण को जड़ मूल से नष्ट करती है, स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाती है, बीमारी के लक्षणों को दबाती नहीं है। रेकी के द्वारा मानसिक भावनाओं का संतुलन होता है, मन मस्तिष्क पर नियंत्रण होता है और सही दिशा में पहुंचाया जा सकता है। शारीरिक तनाव, बेचैनी व दर्द से भी छुटकारा मिलता है। रेकी गठिया, दमा, कैंसर, रक्तचाप, पक्षाघात, अल्सर, एसिडिटी, पथरी, मधुमेह, निद्रा, मोटापा, गुर्दे के रोग, आंखों के रोग, स्त्री रोग, शक्ति शून्यता, मानसिक रोग इत्यादि को दूर करने में समर्थ है। इसके द्वारा विशिष्ट नियमों के अधीन रहना होता है। संस्कृत शब्द प्राण इसी का पर्यायवाची है। चीन में इसे ची कहा जाता है। रेकी के विशेषज्ञ नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने पर जोर देते हैं, यानी कि सारा यह मस्तिष्क को, मन को नियंत्रित करने का ही खेल है। उपचार करते समय रेकी विशेषज्ञ के हाथ गर्म हो जाते हैं। रेकी का इस्तेमाल मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी करते हैं। यह विद्या 2-3 दिन के शिविर में सिखाई जाती है और बहुत प्रशिक्षित व्यक्ति ही इसे सिखाते हैं। अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए जोर देते हैं। उपचार करते समय
रेकी विशेषज्ञ तरह तरह से परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इससे व्यक्ति के शरीर में स्थित शक्ति केंद्र, जिन्हें चक्र कहते हैं, पूरी तरह गतिमान हो जाता है और जिससे उनमें जीवन शक्ति का संचार होने लगता है। रेकी का प्रशिक्षण कई चरणों में होता है। रेकी बीमारी के कारण को जड़ मूल से नष्ट करती है, ऐसा दावा करती है। चिंता, क्रोध, नकारात्मक विचार, लोभ, उत्तेजना, तनाव हमारे शरीर के अंगों एवं नाड़ियों में विकृति उत्पन्न करते हैं और इसी कारण से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। अत्यधिक चिंता, निराशा, आत्मग्लानि, उदासीनता, जरूरत से ज़्यादा खुश देखना, बहुत बोलना, एकदम चुप रहना, संदेह करना, आत्महत्या के प्रयास इत्यादि बीमारी के लक्षण हैं। बीमारी एक दिन में अचानक नहीं आती। लगातार इस स्थिति में रहने पर आती है। हम पहले की वर्ष तक अपने अंदर अपनी गलत आदतों, आहार विहार की भूलों से बीमारी को पालते रहते हैं। तब बीमारी चिन्हों के रूप में हमारे शरीर में प्रकट होती है, शरीर को बेचैन करती है, बीमारी के रूप में उभरती है। जन्मजात बीमारी को छोड़कर रेकी के द्वारा सभी बीमारियों का इलाज संभव है। रेकी बीमारी को जड़मूल से नष्ट करती, यानी कि जो कारण है हमारी बीमारी का उसे दूर करती है। रेकी के द्वारा मानसिक भावनाओं का संतुलन होता है। सभी बीमारियों का इलाज रेकी में संभव है, ऐसा दावा किया जाता है। कहते हैं रेकी गठिया, दिमाग, कैंसर, रक्तचाप, फाले, जलसर, एसिडिटी, पथरी, आँखों का रोग, बाजपन, शक्ति शून्यता इत्यादि सभी दूर करती है। यदि बीमारी का इलाज शुरू में कर लिया जाए तो रेकी रोग मुक्त कर देती है। बहुत गंभीरता की स्थिति में तो समय लग सकता है। हमारा देश आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न देश है। वर्षों पूर्व हमारे देश में स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान था। अथर्ववेद में इसके प्रमाण भी मिलते हैं और गुरु शिष्य परंपरा के कारण यह विद्या हमारे देश में चलती रही और धीरे धीरे लापरवाही के कारण यह लुप्त भी हो गई। रेकी सीखने के लाभ क्या क्या हैं? यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तरों को प्रभावित करती है। शरीर की अवरुद्ध ऊर्जा को सुचारुता प्रदान करती है। शरीर में व्याप्त नकारात्मक प्रवाह को दूर करती है। अतींद्रिय मानसिक शक्तियों को बढ़ाती है। शरीर की रोगों से लड़ने वाली शक्ति को प्रभावी बनाती है। ध्यान लगाने में सहायक होती है। समक्ष एवं परोक्ष उपचार करती है। सजीव निर्जीव सभी का उपचार करती है। रोगों का समूल उपचार करती है। पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। रेकी कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। यह व्यक्ति के बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर नहीं है, ना ही इसका कोई उम्र का बंधन है। कोई भी व्यक्ति सीख लेता है, थोड़ा सा लेकिन मन लगाना पड़ता है। रेकी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही सीखना चाहिए। कैसे कार्य करती है यह रेकी? यह शरीर के रोगग्रस्त भाग की दूषित ऊर्जा को हटाकर उस क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है। यह व्यक्ति के तरंग स्तर को बढ़ाती है, उसके प्रभाव मंडल को स्वच्छ करती है, जिसमें नकारात्मक विचार और रोग रहते हैं। इस क्रिया में यह शरीर के ऊर्जा प्रवाहों को सुचारू रूप से करने के साथ साथ उन्हें बढ़ाती भी है। इस तरह यह रोग का उपचार करती है। रेकी अर्थात ऊर्जा आध्यात्मिक ईश्वरीय स्पर्श चिकित्सा पद्धति, जो व्यक्ति के शुभ विचारों को साकार करके चमत्कारिक ढंग से मन को आश्चर्य तथा आनंद से सराबोर कर देती है। वर्तमान समय में मनुष्य 2400 घंटे तनाव में गुजरता रहता है। तनाव को दूर करने की सबसे सरल विधि है रेकी, जिसमें शारीरिक अंगों को छूकर बगैर छुए विभिन्न रोगों का उपचार सफलतापूर्वक किया जाता है। चिकित्सा की इस विधा में औषधि के रूप में ब्रह्मांड में व्याप्त संजीवनी प्राण ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। उपचार की प्रक्रिया में ऊर्जा का प्रवाह रेकी मास्टर के हाथों में होकर रोगी के ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता जैसी हो उसके अनुसार पहुँचता है तथा कुछ ही समय बाद रोगी व्यक्ति पहले तो स्वस्थ संयमित अनुभव करता है और बाद में आनंद की अनुभूति होने लगती है। रेकी का
उद्गम स्थल हमारा भारत ही है। हाँ, ये है कि समय की मार से भारत में लुप्त होती चली गई और जापान में आज इसको फिर से उभारा गया है। अभी भी विश्व के सभी देशों में आज भी मान्यता है कि साधु संतों के आशीर्वचन, उनका सानिध्य तथा आशीष पाकर मनुष्य को बीमारियों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। अब चरण स्पर्श को ही ले लें। हमारे सनातन धर्म में चरण स्पर्श को बहुत महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जब हम किसी बड़े के, किसी पवित्र व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, ट्रांसफर होती है और हमें सकारात्मकता मिलती है। आशीर्वाद के रूप में हमें सकारात्मक विचार भाव मिलते हैं। रेकी सीखने के लिए या रेकी सीखते समय, कोई भी चीज सीखते समय यह भाव तो जरूर होना चाहिए ना कि हमसे ये होगा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें एवं मुझे उपचारक शक्ति प्रदान करें ताकि मैं दीन दुखियों के काम आ सकूं। रेकी का प्रशिक्षण रेकी के मास्टर एवं ग्रांड मास्टर विभिन्न चरणों में देते हैं। प्रत्येक चरण में प्रशिक्षण में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। यह चरण है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, करुणा रेकी, मास्टर डिग्री। वैसे देखा जाए तो रेकी का वास्तविक लाभ उन्हें ही सर्वाधिक मिलता है जो सकारात्मक विचारों के साथ पूरी आस्था एवं विश्वास पूर्वक रेकी को ग्रहण करते हैं। रेकी पद्धति में रोग के निदान हेतु दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात रेकी स्पर्श चिकित्सा एक सरल, सहज, बिना पैसों का इलाज है। रेकी को अपनाकर अपनी और दूसरों की सामान्य तथा जटिल बीमारियों का इलाज व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है। यदि रेकी मास्टर की आध्यात्मिक शक्ति में बल है एवं उसके उपचार का ढंग लोगों को पसंद है तो रोगी निश्चित रूप से शीघ्र ठीक होता है। रेकी को शांत माहौल में करना सबसे बेहतर होता है, हालांकि इसे किसी भी जगह पर किया जा सकता है। प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मरीज को लेटने या बैठने को कहा जाता है और इसमें कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्के ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। अगर मरीज को पसंद हो तो हल्की आवाज में कोई मधुर संगीत भी बजाया जाता है। प्रक्रिया के दौरान प्रैक्टिशनर अपने हाथों को हल्के से मरीज के सिर, ललाट, धड़ या बाहों पर रखते हैं और हर 2 से 5 मिनट तक के भीतर अपने हाथों की आकृति बदलते हैं। रेकी के दौरान हाथों को मरीज के शरीर पर 20 अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। यदि शरीर में कोई चोट, घाव, सनबर्न हो तो हाथ उसके ऊपर भी घुमाया जा सकता है। रेकी प्रैक्टिशनर मरीज के शरीर के किसी विशेष क्षेत्र के ऊपर अपने हाथ रखते हैं, हल्की से त्वचा को छूते हैं और ऊर्जा संचरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस समय मरीज को प्रैक्टिशनर के हाथ हल्के गर्म लग सकते हैं या उससे झुंझुनी महसूस हो सकती है। हाथ को एक पोजिशन में तब तक जगह रखा जाता है जब तक प्रैक्टिशनर को यह न लगे कि ऊर्जा संचारित होना बंद हो गई है। जब प्रैक्टिशनर को ऐसा महसूस होता है कि उनके हाथों में ऊर्जा या गर्मी कम हो गई है तो वे अपने हाथों को शरीर के किसी दूसरे क्षेत्र पे लगा देते हैं। रेकी विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रक्रिया से एक विशेष ऊर्जा को व्यक्ति के शरीर में संचारित किया जाता है जो उसके ठीक होने की क्षमता को बढ़ा देती है। इस विशेष ऊर्जा को हिंदी भाषा में प्राण कहा जाता है। यह जीवनी शक्ति ऊर्जा होती है, कुछ लोग मानते हैं हमारे चारों ओर व्याप्त रहती है। रेकी ऐसी क्रिया है जिसके अनेकों फायदे हैं, जैसे शरीर को शांत करना, शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक होने की क्षमता को मजबूत करना और शरीर में भावनात्मक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना। यह भी माना जाता है कि रेकी प्रक्रिया व्यक्ति को गहराई से शांत करती है और जो लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं उनकी सहायता करती है और भावनात्मक तनाव कम होता है, सेहत में सुधार होता है और व्यक्ति को तुरंत शांति मिल जाती है। हाँ, लेकिन अगर व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है, कोई समस्या है तो सिर्फ रेकी के भरोसे ना रहे, व्यक्ति को डॉक्टर से इलाज करवाएं। सब स्वस्थ हो जाने पर, ठीक हो जाने पर फिर रेकी चिकित्सा की तरफ आ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।
शैक्षिक पटल को आप लोगों के सहयोग से अब सुपर थैंक्स मिल गया है, इसलिए आप सुपर थैंक्स में भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आपका स्वागत है। शैक्षिक पटल पे होने वाली आय सामाजिक कार्यों में लोगों की मदद के लिए व्यय की जाती है, इसलिए प्रयास करें सुपर थैंक्स देने का।